बैठिए सब लोग, अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए।
महाराज जी का आगमन हो चुका है, कथा अभी आरंभ होने ही जा रही है। हरे कृष्णा, विशेष सूचना इस प्रकार से है, हरे कृष्णा, नागपुर से हमारे सुहृद परम हितैषी श्रीमान श्याम सुंदर शर्मा प्रभु जी हैं, शुभांगी माता जी। श्याम सुंदर शर्मा प्रभु जी के जो माताश्री हैं गोलोकवासी इंदिरा जी रतनलाल जी शर्मा, इनकी पावन स्मृति में उन्होंने आज का प्रसाद यहाँ पर स्पॉन्सर किया है। तो श्याम सुंदर प्रभु जी के सुपुत्र धीर प्रशांत प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। कैसे दिखा तो दो कौन है और कैसे स्वागत, कुछ माल्या अर्पण करो या क्या करो। श्रीमान केशव प्रभु से मैं निवेदन करता हूँ, हमारे सप्ताह समिति के अध्यक्ष उनका विशेष स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे और एक वरिष्ठ भक्त प्रेमांजन प्रभु जी एवं सुभद्रा माता जी जो हॉलैंड से हैं, उन्होंने भी अपनी माता जी के पावन स्मृति में अन्नदान किया है आज का प्रसाद, तो उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ एक विशेष व्यक्तित्व हैं जो हर वर्ष कथा में आते हैं 30 तारीख को, पूना के जाने माने हस्ती हैं। थोड़ी सी दुखद ऐसी घटना हुई है जिसके चलते वे यहाँ पर नहीं आ पाए। उनका नाम है श्रीमान प्रहलाद राठी प्रभु जी, ये इस्कॉन के बड़े ही पुराने ऐसे हितचिंतक हैं, हितैषी हैं प्रहलाद राठी जी। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा लेकिन इस्कॉन जब पुणे में था भी नहीं, जब बंबई से खुद परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी आते थे प्रचार के लिए पुणे, तो यहाँ पर पुणे के एकदम मध्य शहर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है रविवार पेट में, प्रहलाद जी राठी या उनके पिताजी उनका बनाया हुआ, तो वहाँ पर रुकते थे और वहाँ से प्रचार करते थे। तो उस काल से उनकी सहायता प्राप्त होती है श्रीमान प्रहलाद जी राठी साहब, तो उनकी सुपुत्री है, तो उनकी पुत्री की छोटी सी कन्या, अधिक नहीं केवल 3 महीने की ये कन्या है जिसका नाम है कियाना राठी पटेल। छोटी सी कन्या 3.75 महीने की है, उनको तकलीफ थी, कष्ट था, काफ़ी समय से बीमार थी छोटी सी बच्ची, लेकिन अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि हृदय पूर्ण भाव से हम दोनों हाथ उठाकर भगवान को प्रार्थना करेंगे उस छोटी सी बच्ची के लिए जिसका स्वर्गवास हो चुका है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उस बच्ची की सदगति हो। कियाना राठी पटेल, उसके लिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो प्रहलाद राठी साहब जी की भी सेवा रहती है, हर वर्ष उन्होंने ये प्रसाद की सेवा भी की है, तो इस प्रकार से काफी सारे लोगों ने सहायता की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। साथ ही साथ हमारे कृष्णा गबने प्रभु जी हैं, बीटी कौड़े रोड पुणे में रहते हैं, उद्योजक हैं, व्यावसायिक बिल्डर हैं, तो उन्होंने भी विशेष प्रसाद की सेवा की है आज के प्रसाद की सेवा, तो उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। वे आएंगे तो उनका विशेष स्वागत सत्कार होगा महाराष्ट्र के। हमारे भागवत कथा के हमारे विशेष यजमान जिन्होंने जिनकी कृपा से ठंडी कितनी ज़्यादा है कि नहीं, तो आप पंडाल में कितना बढ़िया आराम से बैठ के आनंद ले रहे हैं भागवत कथा का, तो सुंदर पंडाल है, अच्छा लगा आप लोगों को पंडाल। तो ये पंडाल की सारी सेवा हमारे पवन कुमार अग्रवाल जी ने की है
और पवन कुमार अग्रवाल जी, अब महाराष्ट्र का विशेष विशेष यहाँ पर शॉल, हार और अपनी सेवा अर्पित करते हुए महाराज जी का अभिवादन करेंगे। तो जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। महाराज जी के द्वारा विठल रुक्मिणी भगवान उनको प्रदान किए जा रहे हैं। विठल रुक्मिणी भगवान की, श्री क्षेत्र पंढरपुर धाम की। हरि बोल। हमारे यहां पर हनुमान जी बद्रेचा साहब भी यहां पर आए हैं, वे बहुत योगदान अन्नदान में करते ही रहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक दिवस की प्रसाद की व्यवस्था, और इतना ही नहीं, इस्कॉन हड़पसर की ओर से गोर गरीब लोगों को हर रोज 2-5 हजार लोगों को भोजन कराया जाता है। रात 8 से 10-11 बजे तक हम गरीब गरीब से गरीब बस्ती में जाकर लोगों को अन्नदान करते हैं, खिचड़ी प्रसाद का वितरण करते हैं। तो हमारे बद्रेचा साहब नित्य अन्नदान में सेवा करते रहते, तो उनका भी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। हरी बोल। आप भी इसी प्रकार से अन्नदान में सहायता कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, इस्कॉन मंदिर के इर्द गिर्द कई एक मीलों तक लोग भूखे नहीं रहने चाहिए। तो इसीलिए इस योजना का नाम महाराज जी के द्वारा, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा ही श्रील प्रभुपाद महाप्रसाद रखा गया है। हरि बोल। तो इस प्रकार से प्रभुपाद महाप्रसाद में ही आप लोग अन्नदान की सेवा भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं विलंब न करते हुए महाराज जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, आज के इस छठे सत्र को वे आरंभ करें और हमें कृतार्थ करें। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हमारे हर्षद धनानी साहब हैं हमारे हितचिंतक, और महाराज जी के द्वारा विशेष विशेष उपहार प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका भी 3 बार हरि बोल बोल के हम धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 हरि। गेन बढ़ाना, हेलो गेन बढ़ाना इसमें, और रिवर्ब और डिले थोड़ा डालो, डिले ज्यादा। मुंबई एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल अधिकारी हैं हमारे कृष्ण दर्शन प्रभु जी, तो उनका महाराज जी विशेष स्वागत कर रहे हैं, उनको उपहार देकर विठल रुक्मिणी भगवान की प्रतिमा देकर, तो उनका भी जोरदार 3 बार हरि बोल बोल के हम धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरि हरि। थोड़ा सा गेन और गेन बढ़ा। हरि 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 हरि। हरी हरी नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
प्रभा देखे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद श्री श्री पंचतत्व के पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दैट इज वन एक नित्यानंद प्रभु ये द्वितीय पंचतत्व अद्वैताचार्य तृतीय श्रीवास ठाकुर चतुर्थ और गदाधर पंडित पंचम तत्व इन रूपों में इन स्वरूपों में इन तत्वों में कहो भगवान प्रकट होते हैं 500 वर्ष पूर्व की बात है श्री श्री पंचतत्व के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो इन जस्ट टू या समथिंग इज नॉट गुड हरी तो इन पंच तत्वों ने भगवान के इन पांच रूपों ने स्वरूपों ने इस संकीर्तन आंदोलन की स्थापना भी की संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो ये सभी करुणावतार है और इन्होंने हम सभी पर इस संसार के ऊपर अपने कृपा की वृष्टि की किस रूप में वह अन्य कई रूपों में या अन्य कई प्रकारों से विशेष अशेष प्रकार है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये प्रेम ही है वैसे ये प्रेम है हरे कृष्ण महामंत्र प्रेम है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु और ये पंच तत्व गोलोक से उतरे गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राणकारणात् लोकानां त्राणकारणात् हम लोग है और त्राणकारणात् त्रासलेले गांजलेले अपन सर्व त्रसित और ग्रसित हम जीवों पर कृपा किए ये पंच तत्व कैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र ये मंत्र ये गोलोक धाम का वृंदावन का प्रेम धन है
कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, क्या है आप सुने, क्या है? प्रेम धन है, धन है। आप धनी होना चाहते हो? ऑफ कोर्स। अब अपने जोर से कहिए, धनी बनना जरूर। तो इस धन को कमाइए, इस धन का, हरि नाम धन का अर्जन कीजिए, कमाइए ये धन। नहीं तो इस हरि नाम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। जिनको ये हरि नाम धन प्राप्त नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है और वे दरिद्री है। आप धनी होइए, और जीवन का सफल बनाए, सफल, फल के साथ उसको सफल कहते हैं। ये शब्द है सफल, और दूसरा शब्द, दूसरा शब्द होता है विफल। तो सफल, फल के साथ जीवन, फल के साथ। अरी अरी, ये हरि नाम धन इसे धनी बना रहा है सारे संसार को, और इसी के साथ लोग सुखी भी हो रहे हैं। अब ऐसे नहीं, आज तो नहीं, कल आप सब कहोगे, या कल शाम को कहोगे, या परसों कहने वाले हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। किंतु जो हरे कृष्ण भक्त है, हरे कृष्ण डिवोटीज भक्त है विश्व भर के, वे केवल, दे विल नॉट ओनली विश यू हैप्पी न्यू ईयर, केवल शुभकामना ही उनकी नहीं रहेगी, वे सब बताएंगे आपको हाउ टू बिकम हैप्पी, आप कैसे सुखी हो सकते हो। तो वे कहेंगे, क्या कहेंगे, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, तो संसार सुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। इस नाम संकीर्तन का जप और कीर्तन करते हुए और इन पंचतत्वों ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ऐसे गौर भक्त वृंदों का भी समावेश है इस पंचतत्व में। पंचतत्व कंप्लीट या पूर्ण होता है तब जब पंचतत्वों के साथ गौर भक्त वृंद भी है, जो आप हो या आप बन रहे हो या बनिए, आप गौर भक्त, गौर भक्त बनिए, गौरांग गौरांग। पांडुरंग गौरांग 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 पांडुरंग पांडुरंग।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इन इस कलयुग के प्रारंभ में संभवामि युगे युगे, तो इस कलयुग युग के प्रारंभ में ही संभवामि पांच स्वरूपों में भगवान प्रकट होते हैं, पंच तत्व के रूपों में। और यही तो करते, इन्होंने तो किया, कर रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत तुकाराम महाराज के चैतन्य महाप्रभु आए थे कुछ 500 वर्ष पूर्व, पंढरपुर आए, फिर बंबई गए ऐसा भी, और वहाँ से नासिक जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो रास्ते में ही है ये पुण्य नगरी पुणे, और बगल में ही है देहू। अरी अरी, तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव और तिरोभाव यंत्रधान होने के उपरांत 60-70 वर्ष बीत गए, और फिर तुकाराम महाराज प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ। और एक दिन या दिन नहीं, रात्रि के समय, रात्र होगी, स्वप्न में उनको आदेश मिला कि उनकी दीक्षा हुई। तो तुकाराम महाराज कहते हैं, राघव चैतन्य कृष्ण केशव चैतन्य, मुझे किसने दीक्षा दी? राघव चैतन्य केशव चैतन्य, सांगीत लिखुन मालिकेची। बाबा जी आपुले सांगीत ले नाम, मंत्र दिला राम कृष्ण हरी। माघ शुद्ध दशमी पाहुन गुरुवार, केला अंगीकार तुका म्हणे। तो तुकाराम महाराज कह रहे हैं, तो हम गौड़ीय, कुछ गौड़ीय आचार्यों का और फिर गौड़ीय वैष्णव की समझ है कि चैतन्य या है तुकाराम महाराज को स्वप्न में दीक्षा देने वाले और कोई नहीं थे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु ही होने चाहिए। क्योंकि तुकाराम महाराज का राघव चैतन्य केशव चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, तो ये भी तो राघव चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु केशव चैतन्य है। राघव मतलब राम और केशव मतलब कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने एक समय जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज दर्शन दिया, षडभुज जिस दर्शन में 6 भुजाएं सहा हाथ होते, तो 2 हाथों में मुरली धारण किए थे और 2 हाथों में धनुष और बाण था और 2 हाथों में, एक में दंड और दूसरे में कमंडलू। तो दंड कमंडलू धारण किए हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और दूसरे राम और कृष्ण। तो
तो कह रहा महाराज जो कह राघव चैतन्य केशव चैतन्य, और वे बाबा जी थे तो चैतन्य महाप्रभु, सन्यासी तो थे ही, सन्यासी को बाबा जी भी कहते हैं। हरी हरी। और तो कह रहा महाराज की शिक्षाएं, उनके भाव, उनकी भक्ति, ये सब गौड़ीय वैष्णव परंपरा के साथ मिलती जुलती है, मेल खाती है। हरी हरी। तो वे ऐसे तो करा महाराज, इन्होंने हजारों 4000 4000 भंग लिखे जो भक्ति भाव से भरपूर या प्रचुर। गोविंद गोविंद, ये भी उनका एक अभंग है, मुझे ये बहुत प्रिय भी है, मैं गाते रहता हूँ। तो आज सोचा कि तुकाराम महाराज अपने मूर्ति रूप में यह उपस्थित है, उन्हीं का अभंग उन्हीं को अर्पित करते हैं। गोविंद गोविंद मन लागलिया छंद, गोविंद गोविंद अपनी मना मन लागलिया छंद, गोविंद गोविंद मन लागलिया छंद, गोविंद गोविंद मन लागलिया छंद, मन लागलिया छंद, आनंद ले मन, आनंद ले मन, आनंद ले Pazarati lochana, Preme Pazarati lochana, Govinda Govinda mana lagaliya chanda, Govinda Govinda गोविंद गोविंद मन लागलिया छंद, गोविंद गोविंद मन लागलिया छंद। Thank you.
ग गोविंद ते काया मन गोविंद ते काया म ग गोविंद ते काया गोविंद ते काया भेद नाही भेद नहीं देवाया गोविंद गोविंद मन लगलिया छंद गोविंद गोविंद मन म्हणे आळी तुका म्हणे आळी आळी म्हणजे मिठी हरी भगवान हरी हरी हमको आलिंगन ही दे जे बिनु रे ची वेगळी जे बिनु रे आणखी काय पाहिजे मग और क्या चाहोगे यदि भगवान ने आपको आलिंगन ही दिया जे भी नुरे चीवे गळी जे भी नुरे चीवे गोविंद गोविंद मन लगलिया छंद गोविंद गोविंद मन लगलिया छंद मन लगलिया लगलिया छंद गोविंद 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 गोविंद
Panduranga, 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 Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare सभी लोग बोलेंगे प्रेम से जोर से हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hari Hari Hare Krishna, Hare Krishna
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Vithala 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 Jai Jai Vithala 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 Jai Jai Vithala 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 Jai Jai Vithala Jai Hari 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 Vithala 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 Mana Mana Vithala 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 Vithal Maharaj ke re se Vithal Rukmini ki jai Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai Shri Gauri Nithai ki jai Radha Vrindavan Chandra ki jai Radha Kunj Bihari ki jai Radha Pandarinath ki jai Srila Prabhupada ki jai Radha Maharaj ki jai Sai Gaura Premanande Param Pujya Loknath Swami Maharaj ki शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितायन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् सुंदरते ध्यान उभे बिटे वरी करकटा वरी ठे बुनिया तुलसी हर गड़ा कासे पीतांबर अवड़े निरंतर हेचि ध्यान मकर कुंडले तलपति श्रवणी
कंठी कौस्तुभ मणि विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिना श्रीमुख आवडीने नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम कुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं अत्रादरो न परः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय नमो भगवते काय पुढे ओम नमो भगवते वासुदेव हरी हरी पंढरपुरामध्ये नेहमी म्हणतात विठ्ठल मंदिरा वासुदेव हरी हरी क्षमा कीजिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट बैठक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स खाली हैं और पीछे बहुत सारे लोग खड़े भी हैं और बहुत भीड़ भी हो गई है तो जो पीछे बैठे हुए भक्त उनसे मैं विनंती करना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चेयर्स खाली पड़ी हैं और ये जो माता जी हैं उनके भी इस लाइन में काफ़ी सारी चेयर्स खाली हैं तो जो पीछे भक्त खड़े हैं या बैठे हैं भीड़ करके उनसे निवेदन है कि वे आगे आकर बैठे ताकि पीछे से आने वाले लोगों को बैठने के लिए जगह मिल सके हरे कृष्णा हरी हरी तो जब हम कहते ही नहीं क्या कहते नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल कहते ही नहीं तो साथ में हम नमस्कार भी करते हैं ओम नमो नमः ओम नमः मैं नमस्कार करता हूँ किसको भगवते भगवान को कौन से भगवान को
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को क्यों कहते हैं? वसुदेव के पुत्र, इसलिए वासुदेव नाम। तो वसुदेव के कितने पुत्र रहे? आठ तो हुए, उसमें से दो ही बचे, और जो बचे सातवें थे, बलराम। जय बलराम। और आठवें श्री कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब हम कहते हैं तो से मैं कृष्ण और बलराम को हम नमस्कार करते हैं। और एक दो बार तो मैंने कहा ही, तो सर्वत्र कृष्ण बलराम सर्वत्र साथ में, वृंदावन में साथ में, वृंदावन से प्रस्थान किए मथुरा के लिए, मथुरा में साथ में, मथुरा से जैसे उज्जैन गए अध्ययन के लिए गुरुकुल में, वहाँ साथ में लौटे, जरासंध के साथ युद्ध खेल रहे थे दोनों, कृष्ण और बलराम दोनों के दोनों एक ही साथ प्रस्थान के, रण छोड़। तो दोनों ने रण छोड़ा और दोनों का स्वागत हुआ द्वारका धाम के, द्वारका धाम में। और द्वारका से भगवान और आगे बढ़ते हैं पंढरपुर धाम की ओर। तो पंढरपुर धाम में और पंढरपुर मंदिर में भी कृष्ण है और बड़ी दादा भी है, बलराम भी है, दोनों का दर्शन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने जो प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है, कुछ टिप्पणी कहो, नोट्स कहो, इस पीपीटी प्रेजेंटेशन भी साथ में, ताकि ऑडियो और साथ में वीडियो भी हो। देखने के लिए और सुनने के लिए, श्रवण के लिए, जो जो हम सुनते हैं उसमें से कुछ का दर्शन भी हम करा रहे हैं। अरे अरे भगवान का पंढरपुर में काकड़ आरती के साथ, काकड़ आरती से दर्शन प्रारंभ होता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, ऐसे पुरोहित आते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठिए उठिए, ऐसे वृंदावन में तो यशोदा कही, उठी उठी गोपाल, उठो उठो गोपाल, उठो उठो, क्यों? अरुणोदय झाला हे मुला, अरुणोदय झाला म्हणून उठ। विठ्ठल भगवान के काकड़ आरती का दर्शन, इसको हम अन्य स्थानों पर भी इसको मंगल आरती कहते, मंगल आरती, मंगलम कुरु, मांगल्य के साथ दिन भी प्रारंभ होता है मंगल आरती के साथ। तो हुआ, आप कभी गए हो काकड़ आरती से दर्शन किया लगा कभी? काकड़ आरती से दर्शन फार लवकर उठावं लागतं त्यासाठी,
Okay. तो वो विशेष दर्शन, एक तो वह आरती के मंगल आरती के समय के दर्शन तो अन्य मंदिरों में तो होते ही है, किंतु पंढरपुर ही ऐसा एक धाम और एक मंदिर है जहाँ मंगल आरती के उपरांत भगवान का पर्दा बंद नहीं होता, पर्दा खुला ही रहता है। और आपके समक्ष आप भगवान का अभिषेक अभिषेक अभिषेक, इसको हम हमारी भाषा में स्नान करें, स्नान। अरे अरे, तो भगवान के अभिषेक का दर्शन और पुनः भगवान को जब वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार होता है, भगवंत जड़ी नटवतात नटवतात नट नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च माला। तो भगवान का श्रृंगार जब होता है तभी आप देख सकते हो। अरे अरे, अरे अरे, ऐसी दुर्लभ, ऐसा दुर्लभ दर्शन सुलभ होता है केवल पंढरपुर में ही, और एक शिरचोर गोपीनाथ उड़ीसा में और बद्रिकाश्रम में, ऐसे कुछ ही गिने चुने स्थान है जहाँ आप भगवान के अभिषेक और श्रृंगार का दर्शन भी आप कर सकते हो। हरी हरी, मतलब आप मानो एक अंतरंग सखा बन जाते हो या भगवान के पार्षद बन जाते हो, या पार्षद बनने का आपको अवसर प्राप्त होता है, आप कोई पराये नहीं हो। ए आउट, आपका अधिकार नहीं है या होने का, ये दर्शन करने का। तो ऐसी बात पंढरपुर में नहीं होती। और जब अभिषेक होता रहता है तो बीच में ही या प्रभुपाद भी कहा करते थे, भगवान को प्रातःकाल में बाल भोग लगता है, बाल भोग। तो प्रभुपाद कहा करते थे प्रातःकाल में भगवान बालक होते हैं, बालक छोटे होते हैं, बाल गोपाल होते हैं, मध्याह्न के समय तक वे बड़े होते हैं, इसीलिए फिर राजभोग, लाइक अ किंग, इसलिए he honors his lunch prasad like a king, rajbhog. तो प्रातःकाल में बाल भोग। तो मानो पांडुरंग विट्ठल भी बालक बन जाते हैं, और कृष्ण जब बालक थे और गोकुल में थे तो प्रातःकाल में क्या करते हैं, नंदा सा चोर, हाँ, मेरा बांधा उखड़ाला, लोणी चोर, भगवान माखन चोरी करते हैं प्रातःकाल में वृंदावन में। तो जिस समय पंढरपुर में काकड़ आरती, मंगल आरती और फिर अभिषेक हो रहा, वही तो
भगवान के माखन चोरी का, माखन भक्षण का, भगवान को माखन बहुत प्रिय है। मैया मोही माखन भावई, मुझे माखन बहुत पसंद है मैया, मुझे तेरा और पकवान नहीं भावई। माखन भा, मुझे माखन खिलाया करो ना। तो पंडरपुर में अभिषेक के समय भगवान बालक होते हैं और उनके माखन चोरी का वो समय होता है, तो भगवान को अभिषेक के मध्य में ही क्या करते हैं, लोन्याचा गोड़ा, माखन का गोला खिलाते हैं। और जब उनको खिलाया जा रहा है उसी के साथ फिर आरती भी उतारते हैं, विशेष दर्शन होता है। जब आरती होती है मतलब भगवान अधिक दर्शनीय या दर्शन देने के लिए, और जो व्यस्तता, द बिजीनेस ऑफ द लॉर्ड जो है वो सब छोड़ छाड़ के भगवान आरती के समय इज एक्सेसिबल, उपलब्ध रहते हैं आपके समक्ष, आपके प्रत्यक्ष। तो माखन का गोला जब खिलाते हैं तो उस समय आरती उतारते हैं, मतलब आप दर्शन करो, दर्शन करो, ऐसे माखन चोर का दर्शन करो जो उपस्थित रहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट होता है जब माखन खाते हुए भगवान की आरती भी होती है। हरी हरी। और वो दिन अब नहीं रहे, किंतु हर वारकरी जो विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाया करता था दिंडी में या और भी किसी समय, पता है वे कैसे दर्शन करते? भगवान के विग्रह को वे गाढ़ आलिंगन देते, मिठी मारा से दर्शनार्थी वारकरी। हरी हरी। अब जमाना बदल गया, क्या क्या आतंकवाद, दिस वन दैट वन, उपद्रव बढ़ रहे हैं, तो आलिंगन तो नहीं, किंतु आप सब, हम सब भगवान के चरणों का दर्शन, दर्शन ही नहीं स्पर्श भी आप कर सकते हो। और ऐसी भी व्यवस्था, ऐसा भी और कहीं संभव नहीं होता, केवल और केवल विट्ठल पांडुरंगा, पांडुरंगा विट्ठल के दर्शन ही ऐसे होते हैं। और भी और स्थानों पर होके पूरा हॉल या दर्शन मंडप भर के सारे लोग एक साथ दर्शन कर रहे हैं, 100 at a time, 1000 at a time, विट्ठल के दर्शन के लिए 1 at a time। जब आपकी बारी, वारी नंतर बारी, दर्शन अच्छी बारी, आपका समय आता है तो बस कुछ क्षणों के लिए सही, वहाँ केवल भगवान और आप ही होते हो। हर एक को भगवान दर्शन देते हैं, नॉट अ होलसेल,
दस बीस पचास सौ हजार लोगों को साथ में दर्शन। या भगवान, हर दर्शनार्थी को वन एट ए टाइम दर्शन देते हैं। और ऐसा दर्शन करना ही एकमेव उद्देश्य होता है, होना चाहिए, होता है। पंडित नाथ के दर्शनार्थियों का तो भगवान बड़े पर्सनल है, पर्सनल, वेरी पर्सनल, पर्सनल। और यही भगवान तुकाराम महाराज कि उनका साक्षात्कार है। मैं उल्लेख तो किया हूँ एक दो बार शायद किया। ये स्वयं भगवान द्वारका से आए और बस वहाँ खड़े हो गए। बहुत कुछ हुआ, पुंडलिक ने, पुंडलिक और भगवान के मध्य में संवाद हुआ। व्हाट अ डायलॉग, व्हाट अ डायलॉग भगवान और पुंडलिक के मध्य का। निवेदन की आप यही रहिए तो भगवान रह गए। लगता है कि अब पहले हिलने डुलने वाले द्वारकाधीश अब हिल डुल नहीं रहे हैं, अब विग्रह बने हैं। लेकिन वो हिलते डुलते खूब है, कई भक्तों के साथ उनके साथ व्यवहार। फिर वो जनाब आई है या तुकाराम है या ये है वो है, असंख्य भक्तों के साथ। हमको तो लगते हैं कि बस करकटा वरीठे उनिया, बस खड़े है तो वह। तो तुकाराम महाराज का कहना ये ऑफ कोर्स तो कोई कठिन भी नहीं है। जब अगर हम सुनते हैं कैसे आए भगवान पंढरपुर और फिर अहम भक्तः पराधीनः, अपने भक्त के अधीन है भगवान। तो भक्त ने कहा तिष्ठ, यही रहिए, भगवान रह गए। नाही घड़बिला नाही बैसबिला, तो कह रहा महाराज कह रहे इस विग्रह को, इस मूर्ति को ना ही घड़बिला, किसी ने इसको मूर्ति को नहीं बनाया, मूर्तिकार ने, ना ही बैसबिला, ना तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा क्या, प्राण स्वयं प्राण सहित तो भाई है ही पहले ही, तो प्राण की प्रतिष्ठा करने का प्रश्न ही नहीं है। तो वह किसी ने इस मूर्ति को बनाया नहीं, न तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पुंडलिका आला भेटा वया, आए थे पुंडलिक को मिलने दर्शन देने। द्वारकेची अवघी घेवोनी संपत्ति, तो द्वारका से आए, द्वारका का वैभव भी साथ में लाए हैं।
आले ऋषिकेशी पंढरीशी। तो ऋषिकेश भगवान का नाम, द्वारकाधीश पंढरीशी पंढरपुर आए। तुका म्हणे मूर्ति घड़विली जे म्हणती, अगर कोई कहता है कि इस मूर्ति ने किसी ने इस मूर्ति को बनाया, किसी मूर्तिकार ने जयपुर में या और कई स्थान पर, त्याचा मुखा प्रति किड़े पड़ो, त्याचा तोंडात किड़े पड़ोत। हाय, कोई आप में से कोई बहादुर गबरू जो कहे कि इस मूर्ति को किसी ने बनाया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। यदि ऐसा कोई कहता है तो तुकाराम महाराज का कहना है, ऐसे कहने वाले का मुख किड़िया ने भरोत, गटारा मधे वळवळणारे किड़े त्याच्या तोंडात पड़ोत, खबरदार। ऐसा न सोचो न तो कहो, स्वयंभू आमुचा बिटे वरी उभा, चैतन्याचा गाभा पांडुरंग। ये सच्चिदानंद विग्रह भगवान सच्चिदानंद विग्रह, बस वहा कर ईट पर खड़े हुए, नाम हुआ विठ्ठल। थे सच्चिदानंद विग्रह और फिर बन गए, रह भी गए सच्चिदानंद विग्रह, और रहेंगे सदा के लिए सच्चिदानंद विग्रह। ये अर्च विग्रह जिनकी हम आराधना कर सकते हैं, जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। या मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, या कृष्ण ही कहे, हम सबको कहे, क्या करो आप सब, मन मना भगवान का स्मरण करो। तो पांडुरंग विठ्ठल हमको उनके स्मरण का अवसर दे रहे हैं, राइट नाउ राइट हियर हम लोग स्मरण कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं उनके स्मरण का। श्रवण कीर्तन से स्मरण होता है, तो उनकी उनके संबंधित ये श्रवण कीर्तन हो रहा है तो स्मरण होगा। तो मन मना मेरा स्मरण को, भव मद भक्त मेरे भक्त बनो, तो हम उस विग्रह के हम भक्त बन सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। विग्रह की भक्ति, विग्रह भगवान है। भव मदभग मद्याजी, मेरी आराधना करो, आरती उतारो, मेरा श्रृंगार करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति, मुझे भोग चढ़ाओ, माखन का हो तो बढ़िया है, मेरी चॉइस है, आई प्रीफर बटर। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। कृष्ण कह रहे गीता का 18वां अध्याय के ये अंतिम श्लोक या वचन ही है भगवान के,
और फिर भगवान वहाँ कहे हैं, यदि कोई करता है क्या क्या करता है, बस डू दिस फोर थिंग्स, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। भाई वो बात है, मुझे जब श्रील प्रभुपाद संन्यास दिए 1975 दिसंबर की बात है वृंदावन में, तो वह संन्यास दीक्षा के उपरांत जब हम प्रभुपाद से मिलने गए थे, कुछ विशेष प्रभुपाद का आदेश उपदेश होगा तो पूछे तो प्रभुपाद के बस यू जस्ट डू फोर थिंग्स, वी फॉलो फोर प्रिंसिपल्स। तब प्रभुपाद मुझे कहे वही यही बात कहे एग्जैक्टली यही जो मैंने अभी कही, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ऐसा यदि तुम करोगे तो भगवान क्या कहते हैं, माम एव यश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, माम एव यश्यसी। तो विट्ठल भगवान का हम स्मरण करेंगे, विट्ठल के भक्त बनेंगे, विट्ठल की आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो भगवान हमारे लिए क्या करेंगे, भगवान माम एव यश्यसी, तुम मुझे प्राप्त होंगे, यू विल कम बैक टू मी। आमी जा तो वो जो हुआ तुकाराम के साथ, ये हमारे साथ भी हो सकता है यदि हम ये करेंगे, फोर आइटम्स, सत्यम ते, और ये सत्य बात है भगवान, प्रतिज्ञान है, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं। और ये सब क्यों कह रहा हूं, प्रिय असी, तुम मुझे प्रिय हो, वहां तो कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, इसीलिए आप शायद सोचोगे कि प्रिय असी, तुम मुझे प्रिय हो, भगवान अर्जुन को संबोधित करके ही कह रहे हैं। हाँ वहां तो कह रहे थे, किंतु हम सभी भगवान के, एक तो भगवान के है और हम भगवान के जीवलग भक्त हैं, कृष्ण लव्स यू ऑल, भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, अरी अरी, इसीलिए ही एक तो आए अपने धाम से इस संसार में और कई सारी लीला खेले, गीता को उपदेश सुनाए, क्यों, ही लव्स यू, उनका हमसे प्रेम है, और फिर यानी कृष्ण ने बहुत कुछ किया, करते रहते हैं हर अवतार में, तो हम भक्तों के लिए, वेल महाराष्ट्र के या संसार भर के भक्तों के लिए भी, भगवान पंढरपुर आए और वहाँ रह गए, वहाँ रह गए भगवान, क्यों रह गए, बिकॉज ही लव्स यू लव्स मी, उनका हम सभी से प्रेम है भगवान का, तो हम सब पर कृपा करने हेतु, कृपा की दृष्टि की वृष्टि करने हेतु हमको दर्शन देने हेतु
हमारी सेवा स्वीकार करने हेतु। यह हमारे स्तुति प्रार्थना सुनने हेतु हमने चढ़ाए हुए भोग खाने ग्रहण करने हेतु भगवान आज भी विठल रूप में पांडुरंग रूप में, वैसे उनके सहस्र नाम विठल सहस्र नाम भी है, जैसे विष्णु सहस्र नाम है तो विठल सहस्र नाम भी है। सहस्र नामों से जो जाने जाते हैं, ये बड़े अति अति दयालु कृपालु विष्णु मांसाले कुरवाला संगे गोपाळांचा मेळा, उनके कई भक्त हुए एनिवे ऐसे पुरंदास पुरंदरदास कनकदास, ये कन्नड़ कर्नाटक प्रदेश से रहे, ये उच्च कोटि के विठल भक्त, और विठल भक्ति का उन्हें प्रचार प्रसार विठल के गुण गाए हैं। लगभग हाँ मैंने 800 वर्ष पूर्व ज्ञानदेव, पहले ज्ञानदेव नामदेव साथ में थे, ज्ञानदेव और नामदेव साथ में थे और समकालीन थे, और कुछ समय फिर एकनाथ महाराज, और फिर तुकाराम महाराज, हाँ इस क्रम से जो चार बड़े बड़े नाम है संतों के, तो ज्ञान देव महाराज, ये जो दिंडी है दिंडी, हाँ महाराज दिंडी होती है वारी 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 यानी वारकरी, जो बारंबार जाते हैं लौटते हैं, हाँ तो वारंबार जो जाते हैं उनको वारकरी, वार एक बार दो बार बारंबार हो गए वार करी, तो ये वारी वार करी और धिंडी, और धिंडी में जिस प्रोसेशन में जाते हैं उसको धिंडी कहते, ये ज्ञानदेव महाराज के समय से वे पंढरपुर जाते हैं और विठल भक्ति को और बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन होता है। या उसी समय जो नामदेव थे, नाम से ही क्योंकि नाम से पता चला नामदेव, इन्होंने खूब भगवान का गुणगान नाम का उच्चारण और उसका प्रचार प्रसारण, और महाराष्ट्र के संत जो महाराष्ट्र के सीमा के बाहर गए, और ये नामदेव तो पंजाब तक गए, उन्हें विठल भक्ति का प्रचार वहाँ तक किया, और तो महाराष्ट्र सीमित ही रहे, महाराष्ट्र या पंढरपुर के इर्द गिर्द या महाराष्ट्र में, लेकिन नामदेव ये बड़ी उत्तर भारत में विठल भक्ति का प्रचार प्रसार किए। जनाबाई उनकी शिष्या बनी,
वे भी अनन्य अनन्य भक्ता भक्तिन थी विठल भगवान की, जिनके साथ भगवान उनके घरेलू कामों में सहायता करते, भगवान दलन कांड आपके साथ कल हम दिखा रहे थे, कुछ चर्चा हो रही थी। तो ये नामदेव तो पंडरपुर में नामदेव पायरी नाम पायरी मतलब पायरी सीढ़ी मंदिर के जहाँ प्रारंभ होता है सीढ़ी से चढ़ते हैं, तो उस सीढ़ी को नामदेव पायरी कहते। क्यों कहते हैं? वह नामदेव का अब मूर्ति भी देख रहे हो। तो यहाँ पर नामदेव अपने सारे परिवार के सदस्यों के साथ कुछ 10, 12, 14 सम 14 डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जनाबाई भी साथ में, यहाँ पर वे समाधिस्थ हुए। जीवन समाधि हरी हरी। वह गड्ढा बनाए, सभी कूदे उसमें और फिर नहीं रहे, वहां से वे भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं। ये नामदेव महाराज की क्या कहे, ये नम्रता है। वैसे वो भी उद्धव हम 2 दिन पहले देख रहे थे, उद्धव जी ने भी भगवान को प्रार्थना की, मुझे वृंदावन के गोवर्धन में जो कुसुम सरोवर के तट पर जो लता पता घास छोटे पौधे है उसी को मुझे बनाओ, ताकि वहाँ जब गोपियाँ आती है तो उनके चरणों की धूल मुझ पर मेरे मस्तक पर मैं धारण करना चाहता हूँ। तो वैसे ही नामदेव चाहते थे कि भविष्य में जितने भी दर्शनार्थी आएंगे विठल भगवान के दर्शन के लिए, तो उनके चरणों की धूल उनके मस्तक पर पड़े। इस उद्देश्य से मंदिर के बिल्कुल समक्ष जहाँ से चढ़ते हैं वहीं पर वे समाधिस्थ होते परिवार के सदस्यों के साथ, जनाबाई के साथ। तो हर दर्शनार्थी वैसे पहले नामदेव को भी नमस्कार करता है, झुकता है उनके चरणों में, और उनका जो समर्पण है जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं की आहुति चढ़ाई। हरि हरि। अंते नारायण स्मृति ही, नारायण का पांडुरंग विठल का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्यागे। हरि हरि। एकनाथ महाराज पैठन के एकनाथ महाराज भागवत पर उन्होंने एकनाथी भागवत यानी एकनाथी मतलब एकनाथ महाराज ने लिखी हुई भागवत पर जो टीका है उसके लिए वे प्रसिद्ध है। और ये भी हम सुनते हैं उनके चरित्र से, कैसे भगवान उनके घर में भी भगवान रहते और कई प्रकार से सहायता करते। और ये एकनाथ महाराज क्या क्या कहे और क्या नहीं कहे इन संतों का गुणगान, कैसे वे
गोदावरी में स्नान करने के लिए एक समय गए तो लौट रहे थे तो किसी ने पान खा के थूका। एकनाथ महाराज पुनः गए स्नान के, पुनः लौटे तो ये अपराधी पुनः या कोई चांडाल चौकड़ी ऐसे पुनः ऐसे कई बार हुआ, बारंबार हुआ। तो एकनाथ महाराज की ये सहनशीलता, इतने सहनशीलता, इनका मन का या विचारों में परिवर्तन आया और वे एकनाथ महाराज के चरणों में गिरे, क्षमा मांग रहे थे। तो उस समय एकनाथ महाराज थैंक यू धन्यवाद, आपका मैं आभारी हूँ। अब किस बात के लिए आप आभार मान रहे हो? आपके कारण ही तो मुझे आज गोदावरी मैया के गोदावरी में इतने बार स्नान करने का मुझे अवसर आपके कारण हुआ, इसीलिए आपका आभारी हूँ। अरे हरी, फिर एक समय ये बदमाश औरंगजेब, पंढरपुर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी, अलग अलग थोड़े आगे पीछे आ रहे थे। उनको उनका लक्ष्य था पंढरपुर का नाश करना। मिटाना जैसे अन्य स्थानों पर वे करते ही रहे, ये ऑलमोस्ट 1000 वर्षों तक ये मुसलमानों का के आक्रमण पूरे भारत में होते ही रहे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और ऐसे महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज के उनके कारण वे दक्षिण में नहीं गए, नहीं जा पाए उतने नहीं जैसे नॉर्थ इंडिया में। आप दक्षिण भारत में गए होंगे, वह कितने सारे प्राचीन मंदिर है, शिखर है सर्वत्र, ऑल ओवर कर्नाटक, तमिलनाडु, इवन आंध्र प्रदेश, केरला, आप गए हो दक्षिण भारत गेला का? बहुत सारे मंदिर है कि नहीं है? ऐसे मंदिर उत्तर भारत में भी हुआ करते थे उतने ही, वो दिखते थे नहीं इन मुसलमानों के कारण। उनको रोकने का उनकी चाल को, उनका पराभव परास करने का कार्य शिवाजी महाराज की उन्होंने किया। तो ये तो यहाँ औरंगाबाद नाम का था, औरंगाबाद औरंगजेब और ऐसे कई सारे नाम, ये बाद वो बाद हैदराबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सब बाद
तो उस समय विठ्ठल भगवान वो कुछ समय के लिए कर्नाटक में हम्पी नामक स्थान है, या पंपा सरोवर भी है, और उस क्षेत्र में वहाँ पर कृष्ण देव राय उन्होंने विजय विठ्ठल मंदिर बनाया, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। और हमारे या सभी संसार के विठ्ठल भगवान के विग्रह कुछ समय के लिए वहाँ स्थानांतरित किए गए थे। ये अद्भुत मंदिर है, इसके पिलर्स को ठकठकाने से कई सारे ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, या सारे गम प प्रकार के ध्वनियाँ। तो वह फिर पुनः लाए गए विठ्ठल भानु महाराज एकनाथ महाराज के परिवार के ही सदस्य, अजोबा की कायतर। तो और एक समय फिर पुनः खतरा था, सब रिस्क थी, तो भगवान के विग्रह को पंढरपुर में ही, नॉट फार फ्रॉम जहाँ हमारा ये हरे कृष्ण धाम पंढरपुर में है, जहाँ हम बना रहे हैं भू वैकुंठ, वहाँ से मे बी 200-300 गज या मीटर दूरी पर एक देवगांव में एक कुएं में, इन द वेल, भगवान को कुछ समय के लिए वहाँ छिपा के रखा था, और वही आराधना हो रही थी। वीरी मदे भगवंता जी आराधना अणि सर्व श्रृंगार सेवा, कुएं में इन यवनों के मुसलमानों के भाई से इस प्रकार से भी सेवा हुई है विठ्ठल भगवान की। ताक पीठे विठोबा, विठ्ठल मंदिर के पीछे, थोड़ा सा पीछे, एक ताक पीठे विठोबा नामक मंदिर है, वह विग्रह भी है। बच्चे कुछ आवाज कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो ये पैठन की ही क्या रमाबाई कौन आठवत है रमाबाई वहाँ से पंढरपुर आती है, तो ये ताक पीठ छाछ और आटा मिला के एक विशेष व्यंजन बनाती थी, और भगवान को भोग लगाती विठ्ठल मंदिर में जाकर। भगवान बहुत पसंद करते, पहले सारी पसंद, ए बच्चों मुला आवाज थमा लेते हो, समवन हैज़ टू डू समथिंग। हरी हरी। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है। तो उन्होंने तो बेर ही खिलाए, द किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, ऐसा फल नहीं खिला, बेर खिलाए। क्या कौन पूछता है बेर को, द बेरीज जो बंदरों के लिए ठीक है, लेकिन जब शबरी ने खिलाए तो भगवान तो क्या,
ऐसा भोजन या ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं किया था. वाओ, व्हाट ए फ्रूट, वाओ, वाह. तो ये रमाबाई का भी ऐसी भक्ति और ऐसा प्रेम, तो उनका ये छाछ और आटा मिला के ताकपीठ भगवान को बहुत पसंद था और भगवान खाया करते थे प्रेम से. लेकिन ये थोड़ी वृद्धा हुई, बीमार भी थी, तो वह उसको जाना संभव नहीं होता था मंदिर में भगवान को ताकपीठ खिलाने के लिए. तो वो प्रार्थना करने लगी और भगवान उसके घर पर आने लगे ताकपीठ खाने के लिए. अरे बाबू, और फिर धीरे धीरे वही रहने लगे भगवान. तो फिर वहाँ भी एक विट्ठल की मूर्ति है, ऐसी समझ है कि ये ताक पीठे विठोबा आणि मंदिरातला विठोबा अभिन्न एक एक ही है. तो जब विट्ठल मंदिर बंद होता है या दर्शन नहीं होता तो कई लोग वहाँ जाकर ताक पीठे विठोबा का दर्शन करते हैं और प्रसन्न होते हैं, ये समझते हैं हमने विट्ठल का दर्शन किया. ताक पीठे विठोबा भगवान के. तो चार संप्रदाय के आचार्य वहाँ आए हैं. ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी. और इसी रुद्र संप्रदाय या विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही वल्लभाचार्य हुए. वल्लभाचार्य वे भी आए. कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, इन सभी का आगमन और निवास पंढरपुर में हुआ है. हमने जो प्रभुपाद घाट बनाया है इसमें चार द्वार है और इन चारों द्वारों को इन चारों आचार्यों के नाम ने दिए हैं. तो वल्लभाचार्य या रुद्र या विष्णु स्वामी संप्रदाय जिन्होंने वैसे बाल गोपाल मतलब वात्सल्य रस, भगवान छोटे हैं, बालक है, लड्डू गोपाल है, तो उस संप्रदाय में लड्डू गोपाल की आराधना. तो ये वल्लभाचार्य जब पंढरपुर में थे वहाँ पर उन्होंने भागवत कथा की. जैसे यह भागवत कथा वल्लभी हो रही है हड़पसर में, हम कर रहे हैं. तो वह वल्लभाचार्य अपनी भागवत कथा के लिए प्रसिद्ध थे. भारतवर्ष में उन्होंने 84 अलग अलग स्थानों पर और हर स्थान को वल्लभाचार्य बैठक जहाँ जहाँ वे बैठे रहे वहाँ कथा किए. तो ऐसा एक स्थान पंढरपुर में भी है, हमारे इस्कॉन से बिल्कुल पास में ही है. तो जब वे कथा कर रहे थे तो भगवान ने विट्ठल भगवान उनको दर्शन देते हैं, मिलते हैं, वार्तालाप होता है वल्लभाचार्य और विट्ठल भगवान का.
या वैसे भी हम कह रहे थे जब भागवत कथा होती है तो कौन आते हैं? भगवान आते हैं। यत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ भगवान आए भी जिनका दर्शन किए वल्लभाचार्य ने, और वल्लभाचार्य का भी दर्शन किए भगवान, अटल भगवान। तो एक उनके चरित्र से ये पता चलता है कि एक विशेष आदेश दिए विट्ठल भगवान वल्लभाचार्य को, वो क्या था? आप गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करो, आप गृहस्थ बनो, भगवान का जो भी उद्देश्य होगा। तो पहले थे वे वैरागी थे, तो वे गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं। उनके कई पुत्र, उनमें से एक का नाम उन्होंने विट्ठल समथिंग रखा। फिर शंकराचार्य आए, हम चर्चा कर रहे थे, भजे पांडुरंगम परब्रह्मलिंगम, भजे पांडुरंगम, ऐसे उद्गार उनके हृदय प्रांगण से और मुख से निकलने लगे स्वाभाविक। ये अद्वैतवादी निराकार निराकारवाद का प्रचार करने के लिए ऐसे उनके मुख से वचन निकलना असंभव ही होता है, किंतु वह उनके लिए स्वाभाविक हुआ। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, जो उन्होंने वैसे कहा था वाराणसी में, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, वहाँ के पंडित जो संस्कृत व्याकरण रटते, संस्कृत संस्कृतज्ञ तो है किंतु भक्त नहीं है। तो शंकर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, एक गधे गोविंद को भजो, नहीं नहीं रक्षति सन्निहिते संप्राप्ते सन्निहिते काले, मृत्यु के समय नहीं नहीं रक्षति, ये रक्षा नहीं करेगा। क्या रक्षा नहीं करेगा? ये डुक्रिन डुक्रिन करणे, ये जो व्याकरण और उसमें जो धातु और डुक्रिन करण, ये इसका पाठ, इसका कंठस्थीकरण, इसको रटना, ये मृत्यु के समय काम नहीं आएगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये भी संदेश रहा शंकराचार्य का। जैसे शंकराचार्य एट हार्ट ये वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा पुराणानाम इदं तथा, भागवत में कहा है। ऐसे सभी सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी वैष्णवों में शिव, वैष्णवानाम यथा शंभु शंभु शंकर, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है। तो भी भगवान ने उनको एक विशेष भूमिका निभाने के लिए कहा, इस मायावाद अद्वैतवाद का प्रचार करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी तो निभाई है, किंतु वे है तो स्वयं वैष्णव। जो वहाँ जाते हैं नंदग्राम दर्शन के लिए जाते, विट्ठल के विट्ठल के या बाल कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं,
हरी हरी, कई सारी, और यहाँ तक कि भगवान के रास क्रीड़ा में भी इनको प्रवेश प्राप्त है। रास क्रीड़ा में मतलब इनका भाव, जिनका भाव गोपियों जैसा और जिनका स्वरूप भी गोपी जैसा, वैसे ही आए तो थे वह मानसरोवर करके स्थान है वृंदावन में। तो जटाधारी और डमरू और बिच्छू और गले में सर्प इत्यादि के साथ वहाँ पहुँचे, उनको रोका गया एट द एंट्रेंस। ए कहाँ जा रहे हो? रास क्रीड़ा में। तो वह रास क्रीड़ा में वही जा सकता है जिसका रूप भी गोपी जैसा और भाव भी गोपी जैसे। तो उनको बताया या मानसरोवर में आप स्नान कीजिए। तो शिव जी वह कूदते हैं और थोड़ी देर से ऊपर निकले तो एक गोपेश्वर, उनका नाम हुआ गोपेश्वर, वे गोपी बने, एक श्रेष्ठ गोपी। और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव करके एक प्रसिद्ध मंदिर है, विग्रह है। तो वह ये शिव जी है। ऐसे शिव जी को बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि स्वयं कामी होते हैं। कांक्षंता कर्मणा सिद्धिं भजन्ते हि देवता, क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कामी लोग जब जाते हैं देवताओं के पास तो वह अपनी कोई महत्वाकांक्षा के साथ जाते हैं तो फिर उसी की पूर्ति भी वो देवता करते हैं, सही। किंतु वह हरी हरी शिव जी भी करते हैं नहीं चाहते हुए भी। क्या चाहिए? ओके, ले जाओ, ले लो, गेट आउट। मैं तो वो ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। ब्रह्मा शिव इसमें तल्लीन रहते हैं भगवान नाम में। तो शिव जी के हाथ में भी माला देखते हैं, माला फेर रहे हैं, अपने खुद के नाम की माला नहीं फेरते हुए भगवान के नाम की माला फेरते हैं। तो कोई आता है तो हमेशा ये धनम देही जन्म देही 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 तो okay। और वे आशुतोष भी है, क्विकली ही सैडिस। तो ले जाओ, ओके, जाओ जाओ, मुझे भजन करना है। तो हुआ अरे अरे। सो ऐसे आदि शंकराचार्य पंढरपुर भी आए थे तो वहाँ उन्होंने अपना जो वैष्णवता है उसको दर्शाया है, उसको प्रकाशित किया है ये पांडुरंग अष्टक की रचना करते हुए, और हम सबको प्रेरित किए हैं क्या करने के लिए। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ओके, आई थिंक वी कुड गो फॉर द प्रेजेंटेशन। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। हरे कृष्ण। अंतरा श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की। पंडरपुर धाम की। भू वैकुंठ पंडरपुर धाम की। जय।
हरे कृष्णा। हम लोगों के मध्य यहाँ पर श्रीमती विलासिनी माता जी यहाँ पर आई हैं, जो खुद आर्किटेक्ट हैं और जो डिज़ाइन कर रहे हैं ये भूवैकुंठ पंडरपुर, जो प्रकल्प बन रहा है श्री क्षेत्र पंडरपुर में। तो माता जी यहाँ पर आए हैं तो वे आपको इस पंडरपुर के बारे में अधिक माहिती प्रदान करेंगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ विलासिनी माता जी से कि वो हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक माहिती प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरि कीर्तन भी आ सकते साथ में। हरि कीर्तन प्रभु, केशव प्रभु, श्वेतदीप प्रभु, मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ, आगे वे आपको और भी उसका महात्म्य बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, तो आज हमारे बीच में हमारे इस भूवैकुंठा प्रकल्प की जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है वर्षा शर्मा, जिनको विलासिनी देवी दासी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो माता जी ने जो टीवो वीपी का भी डिज़ाइन, उन्होंने हमारे एक बहुत विश्वविख्यात हमारा जो हेडक्वार्टर है मायापुर धाम में, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो लगभग 1200-1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की भी वो आर्किटेक्ट रही हैं। और उन्होंने अपना मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना अमेरिका से किया है, और उन्होंने आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री यहीं पुणे से ली थी, और उनका स्पेशलाइजेशन है रिसर्च ऑन सेक्रेट स्पेसेस स्पेसिफिक टू टेंपल आर्किटेक्चर, और ये एक्स प्रोफेसर भी रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा यूएसए में। तो ये हमारा बहुत भाग्य है कि हमको ऐसे इस्कॉन के भक्त ही, परिवार के अंदर के भक्त हमको हमारी सेवाओं के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो मैं बिना विलंब के माता जी को आमंत्रित करता हूँ। माता जी आपको एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी देगी, जिससे आप सबको ये पता चलेगा कि आपका भूवैकुंठा प्रोजेक्ट किस प्रकार का लगने वाला है। हरि बोल। हरे कृष्णा। कैन बी कनेक्ट ऑन द स्क्रीन हियर? स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। यस, थैंक यू वेरी मच हरि कीर्तन प्रभु जी और महाराज दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि हम अभी इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं विट्ठल जी का वर्णन, भक्ति का वर्णन, पंढरपुर मीन्स भक्ति। तो एक मंदिर का जो रोल है वो पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ जाए। जो यू कैन गो नेक्स्ट संदर, या भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ, जो चार हमारे पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जीवन के प्रवाह इसी में ही चलते रहते हैं, लेकिन हमें उससे लिमिट नहीं होना है। वहाँ फाइनली हमें आगे भक्ति की तरफ जाना है, भगवान के चरण की तरफ हमें आकर्षित होके यहाँ से निकल जाना है। तो ये मंदिर का मेन उद्देश्य है, जो कैरेक्टर अपलिफ्टमेंट होगा, जो अंदर से हमारे अंदर कुछ जो चेंजेस होने वाले हैं वो मंदिर का मेन रोल रहता है। अभी हम देख रहे हैं अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, टेंपल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम का निर्माण हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे केंद्र बन रहे हैं आजकल हमारे देश में, जो कि ये सब चेंजेस लाने के लिए बहुत वी आर रेडी टू टेक अप ऑन दिस चेंज नाउ। पंढरपुर में खासकर जो अभी हम बात कर रहे हैं उसकी यह एक विशेषता है कि जो वारकरी परंपरा है और जो सनातन धर्म, हमें एक्चुअली दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों अभिन्न है, लेकिन इसमें जो महाराज जी का विजन है अमेलगमेटिंग द फिलॉसफी ऑफ इस्कॉन, जो सनातन धर्म विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम वारकरियों से, जो लोकल भक्ति से हम जो जुड़े हुए हैं, हाउ डू वी मेक दिस मोर ग्लोबल एंड ब्रिंग दिस आउट एंड और इसे और प्रसिद्ध कैसे किया जा सकता है।
तो इसमें पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है, जो यू नो पर्सनल ग्रोथ होता है, जो हम जैसे वैदिक संस्कृति में हमारा जो ग्रोथ होता है वो ऑटोमेटिकली सामाजिक ग्रोथ भी हो जाता है और फिर एक साथ देश का ग्रोथ हो जाता है. सो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव ग्रोथ इंडिविजुअल ऑन एन इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज ऑन द सोसाइटल लेवल. जब पहली बार हम महाराज के साथ बैठे ये डिस्कस करने के लिए कि हमारा विजन क्या रहेगा पंढरपुर धाम के लिए, भू वैकुंठ मंदिर के लिए, तो महाराज का तीन शब्द आए महाराज के मुख में से, दैट इज अतिथि देवो भव. तो ये जो संप्रदाय है वारकिरियों का या जो हम सब भक्त लोग दर्शन करने आते हैं उनके लिए हम कैसे अच्छी सी सुविधाएं करके उनका जो प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस है, उसको हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं. तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि हॉस्पिटल्स रहेंगे, वहाँ पे स्नान गृह रहेगा, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं रहेगी जो भक्त को एनहेंस और वो डिवोशनल फीलिंग को एनहेंस हो जाए एंड दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट द बेसिक्स नेसेसिटीज़ ऑफ यू नो देयर विजिट देयर. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो साइट प्लान है वहाँ पे भी हमने अलग अलग एंट्रेंसेस बनाए कि जैसे हम मुख जो मेन द्वार है मंदिर का मेन द्वार, वहाँ से कैसे पंच महाभूत के द्वारा हमारा बाहर से क्लीनिंग होएगा. यू कैन गो नेक्स्ट संदर्भ और यू कैन गो नेक्स्ट अगेन. तो हर एक जो हमारे पंच महाभूत है, अर्थ वाटर फायर एयर और ईथर, वो उससे हम वो हम उसका प्रयोग करेंगे मेन एंट्रेंसेस पे ताकि हमारे वो बाहर से शुद्धिकरण हो जाए. और जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से हम विट्ठल जी के दर्शन करेंगे. हम आगे आपको स्लाइड बताएंगे जो मंदिर का जैसे निर्माण हुआ है, विट्ठल जी इज राइट ऑन द टॉप. तो उनका स्मरण करते करते बाहर से जो शुद्धिकरण होते जा रहा है वो हम यू नो वी विल कैरी दोज मेडिटेशंस इन द हार्ट एंड कीप प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टेंपल. यस यू कैन गो नेक्स्ट विद द प्रीवियस स्लाइड. अभी महाराज बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कर रहे थे, जो ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है एज डिज़ाइनर्स. तो यहाँ पंढरपुर हैज़ ऑलवेज बिन अ बैटल फील्ड, युद्ध केंद्र था. यहाँ बहुत सारे मुसलमानों का आतंक हुआ, फिर मंदिर डिसमेंटल कर दिया, वापस उसको खड़ा कर दिया. तो अभी जो हम मंदिर बना रहे हैं वो एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि दिस क्षेत्र इट्सेल्फ इज़ वेरी ऐतिहासिक. और ये जो मंदिर बन रहा है वो हमें फ्यूचर जेनरेशन को एक दिशा देगा कि विच डायरेक्शन वी शुड मूव, व्हाट इज़ भारत, व्हाट इज़ सनातन धर्म. तो ये सब लेकर के ये मंदिर में हम इसका पूरा एजुकेशन होगा, इसमें फैसिलिटेशन होगा. तो जैसे कि आर्किटेक्चर है, वास्तुशैली का मूल स्वरूप है कि जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, हम कैसे भगवान की अर्चना करते हैं, हम कीर्तन कैसे करते हैं, तो ये सब इसका हम आर्किटेक्चर के हिसाब से हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. आर्किटेक्चर इज़ ओनली अ कैटलिस्ट, वो रह करके इट विल नॉट बी सीन. फाइनली आप रहेंगे और भगवान रहेगा. ये हमारा मूल डिज़ाइन का एम है कि यू एंड द लॉर्ड, द विजिटर एंड द लॉर्ड, दैट इज़ द मेन एम ऑफ दिस टेम्पल. एंड हाउ वी कैन फैसिलिटेट दिस, उसमें हमने काफ़ी रिसर्च किया है मास्टर्स थीसिस के द्वारा से, और बहुत सारे हमने इसका काफ़ी संशोधन और मंथन किया है कि डिज़ाइन के माध्यम से हम भक्ति को कैसे कंटेन कर सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं. जैसे अलग अलग इमेज असिस्टेड मेडिटेशन, तो वो हम थोड़ा सा आगे बताएंगे जब मंदिर का आपके ऊपर ये स्क्रीन पे रहेगा. तो और दूसरा है जो ऐतिहासिक हमने डिस्कस किया, और अभी है जो भूगोलिक है, जो ज्योग्राफिक लोकेशन है ऑफ सेंट्रल महाराष्ट्र. नेक्स्ट संदर्भ. तो बहुत संक्षिप्त में सबको मालूम ही है कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल का एक टेंपल रहता है, साउथ इंडियन स्टाइल का एक टेंपल रहता है, और एक रहता है जो वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कॉम्बिनेशन है नॉर्थ और साउथ. तो
तो हेमदपंती जो हमारे महाराष्ट्र का स्पेशलिटी है, हेमदपंती आर्किटेक्चर जो हम अभी उनका उनसे इंस्पिरेशन लेकर के ये वाला मंदिर अब डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये थोड़े से इनिशियल स्केचेस थे और ये जो है अभी एक प्राइमरी वर्किंग हुआ है, इस पर अभी काफ़ी काम कर रहे हैं, पूरी टीम है लगी हुई जुटी हुई है, तो जल्दी से जल्दी हम इसका भी आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। लेकिन ये जो मैं पहले आपसे बता रही थी कि विट्ठल जी का जो रूप है एकदम सेंटर में उनका मेन फोकस रहेगा, तो जो भक्त अंदर से गेट से लेकर के 40-50 मीटर का जो वॉक करेंगे वो विट्ठल के मेडिटेशन में चलते जाएंगे, वन स्टेप आफ्टर द अदर स्टेप। और ये साइड एलिवेशन है, यू कैन जस्ट गो बैक टू द फ्रंट एलिवेशन ऑन द या। तो इसमें एक और चीज़ जो है, बिकॉज इट इज़ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और यहाँ पे विट्ठल है, तो हम गौर निताय को भी दोनों तरफ वो बहुत ब्यूटीफुल छतरियों में खड़े रहेंगे और उनका भी दर्शन बहुत दूर से हम कर पाएंगे। तो लोअर फ्लोर है वहाँ पे अलग अलग मल्टीपर्पज़ हॉल रहेगा, उसके ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ पे हमारा एडुकेशनल सेंटर रहेगा। एडुकेशनल सेंटर मतलब जो भी भक्त आएंगे सनातन धर्म के बारे में उसकी चर्चा होगी, उनके अलग अलग वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, 3D शोज रहेंगे जहाँ पे हम नॉलेज अपने ज्ञान इंद्रियाज वी कैन कलेक्ट नॉलेज और हम अपनी भक्ति और हमारा इंटरनल स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज़ द लोअर फ्लोर और उसकी वजह से हमारी जो आइकोनोग्राफी है टेम्पल आर्किटेक्चर में, हमने गुरु साधु और शास्त्र यहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। तो ये जो पूरा नीचे का फ्लोर है वो उसमें हमारे अलग अलग कॉलम के कार्विंग्स रहेंगे, विंडोज़ के कार्विंग्स रहेंगे, वहाँ पे हम गुरु साधु और शास्त्र के डिपिक्शंस रहेंगे। फिर ऊपर के फ्लोर पे भूवैकुंठ बाज़ार रहेगा, जो अलग अलग पैराफर्नेलिया है, चामर हो या पीकॉक फेदर्स हो जो भगवान के अर्चना के लिए यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और बिकॉज बलराम इज़ द एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेवा, तो यहाँ पे हम अलग अलग बलराम जी के रूप से हम यहाँ पे आइकोनोग्राफी बताएंगे जो ऊपर के फ्लोर पे है। और सबसे ऊपर टेंपल रहेगा जो 15 मीटर के हाइट पे है और वहाँ पे हम वैकुंठ, वहाँ एवरीथिंग टू डू वैकुंठ, फ्लावर्स फ्रॉम वैकुंठ, द लैंडस्केप ऑफ वैकुंठ, द मूड ऑफ वैकुंठ, वहाँ पूरा टेंपल एकदम ऐसे लगेगा कि हम भूमंडल से अलग हो गए या नाउ वी आर रीचिंग अनदर प्लैनेट ऑल टुगेदर। सो दैट इज़ द मेन एम एंड द गोल ऑफ द होल डिज़ाइन प्रोसेस। संदर विल जस्ट गो टू द ऑटो कैड ड्रॉइंग्स। तो जैसे कि पंडरपुर मतलब भक्ति मतलब कीर्तन, तो जैसे हम मंदिर के सीढ़ियों पे भी चढ़ रहे हैं तो वो अलग अलग भक्ति के रूप में रहेगा, जो नवविध भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य साख्य, तो वो सब हम जैसे हम क्लाइंब कर रहे हैं मंदिर से नीचे के तरफ, 15 मीटर के हाइट अगर हम सोचें तो एक्चुअली काफ़ी है, लेकिन हम डिज़ाइनिंग इस तरीके से करेंगे कि इट विल नॉट फील लाइक इट इज़ अ क्लाइंब, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। ऐसे इट विल बी जैसे महाराज बोल रहे थे पायरी, नामदेव पायरी, तो उसमें हर एक स्टेप हर एक कदम जो मंदिर में है इट हैज़ टू बी फिल्ड विद डिवोशन, इट हैज़ टू बी फिल्ड विद नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो दैट इज़ द मेन एम ऑफ एज वी आर डिज़ाइनिंग। वी कैन गो टू द एलिवेशन संदर्भ। या ऑलमोस्ट डन, वी आर जस्ट क्लोजिंग। तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी जैसे आप देख रहे हैं इसमें अभी इंट्रिकेशंस शुरू हो रहे हैं, अलग अलग कॉलम के डिटेल्स कैसे होंगे, उसका स्वरूप कैसे रहेगा एंड ऑल ऑफ दिस। यू कैन जस्ट पैन क्विकली थ्रू। या यू कैन गो बैक टू द स्लाइड शो नाउ पवन संदर्भ। तो जैसे कि महाराज बता रहे थे यू नो द मेन एम अगेन इज़ अतिथि देवो भव सेवा, ये महाराज का मूड है। जब भी अब हम
हृदय सब महसूस कर सकते थे कि ये सब जो है जस्ट सर्व इन गिविंग वी रिसीव. जितना हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं उतना ही हमें डबल दोनों हाथ से ब्लेसिंग्स भगवान से मिल सकता है. सो आप लोगों की आशीर्वाद से, महाराज के आशीर्वाद से, वी आर होपिंग दैट यू नो दिस टेंपल विल मैनिफेस्ट इनटू अ ब्यूटीफुल रियलिटी फॉर ऑल ऑफ अस, आप लोगों के लिए, सब के लिए और पूरे विश्व के लिए. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. फार फार धन्यवाद माताजी. फार सुंदर असं प्रेझेंटेशन माताजींनी केलं आहे. जसं आपल्याला हरिकीर्तन प्रभूंनी त्यांचं इंट्रोडक्शन केलं होतं की अमेरिकेमधून त्यांनी त्यांचं मास्टर डिग्री या आर्किटेक्टमध्ये केली होती, स्पेसिफिकली वास्तुशास्त्र, एनर्जी आणि आपल्या जुन्या मंदिरांमध्ये त्यांचं स्पेशलायझेशन आहे. बऱ्याच जुन्या मंदिरांचं ते रिस्टोरेशन आणि रिनोव्हेशन करतायत. आणि सांगायला फार आनंद वाटतो की पण इस्कॉनचं जे जगाचं हेडक्वार्टर आहे ज्याला मायापूर आपण म्हणतो, या मायापूरमध्ये जवळजवळ 2500 कोटी रुपयाचा फार मोठा प्रोजेक्ट तिथे निर्माण होतो आहे आणि या तिथे हेड आर्किटेक्ट म्हणून सेवा करतात. आणि याचबरोबर मायापूर, याचबरोबर नागपूर आणि पंढरपूरचा प्रोजेक्टही करण्यासाठी त्या आपल्याला लाभलेल्या आहेत. हे आपल्या सर्वांचं परम सौभाग्य आहे की अशा एका भव्य दिव्य महाराष्ट्राच्या वृंदावनातल्या पंढरपुरामध्ये हे जे मंदिर होणार आहे त्यासाठी इतक्या चांगला आर्किटेक्ट मिळणं हे खरोखर परमसौभाग्याचं लक्षण आहे. आता मी आपला जास्त वेळ न घेता पुन्हा दोन शब्द आपल्यापुढे मनोगत करणार आहे की आपल्याला माहिती आहे की परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांचं हे एक स्वप्न आहे की आपल्याला हे सुंदर मंदिर उभं करायचं आहे पुढच्या 3 वर्षामध्ये. 125 कोटीचा हा प्रोजेक्ट आहे आणि स्पेसिफिक मंदिरासाठी 51 कोटी रुपये तरी लागणार आहेत. आपण त्याला फेज 1 आणि फेज 2 म्हणू. सुरुवातीला आपण मंदिर उभं करणार आहे कारण मंदिर उभं केल्यानंतर फुटफॉल वाढेल, महाराष्ट्रातले लोक तिथं येतील आणि मग हळूहळू आपलं दुसरे फेज 2 पण आपण कामाला लागू. आता मंदिरातले काही भक्त केशव प्रभू आणि आमचे परमात्मा प्रभू प्रल्हाद प्रभू आणि आम्ही सगळे भागवत कथेच्या अगोदर जेव्हा एकत्र बसलो होतो त्यावेळी आम्ही असं ठरवलं की या भागवत कथेमध्ये आपल्याला काय करता आलं पाहिजे. तर आम्ही असं म्हटलं की या भागवतमध्ये कथेमध्ये कमीत कमी 5-1 कोटी रुपयाच्या कमिटमेंट इथं झाल्या पाहिजेत आणि 1000 करोड रुपये कॅश आपल्या हातात आली पाहिजे. का बरं? कारण 15 तारखेला आपल्याला बांधकाम सुरू करायचं आहे. आत्तापर्यंत सांगितल्याप्रमाणे 3-1 करोड रुपये आपल्याकडे ॲक्च्युअली जमा आहेत, पण काम सुरू करण्यासाठी परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांची अशी इच्छा होती की 11 करोड रुपये तरी आपल्या जवळ पाहिजेत, म्हणजे आपला प्रोजेक्ट थांबणार नाही, तो चालत राहील. आणि गमतीची आणि महत्त्वाची गोष्ट अशी की आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 27 मार्च रोजी संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांचं वैकुंठामध्ये आगमन होऊन 450 वर्षे होत आहेत आणि देहूमध्ये हा तुकाराम महाराजांचा वैकुंठ गमनाचा 450वा सोहळा साजरा फार भव्य प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे. आणि नेमकं याच वर्षामध्ये आपलं पंढरपूरचं मंदिर बांधकाम करायला आपण घेतो आहे. हा पण एक फार मोठा सौभाग्याचा योग म्हणावा लागेल. आपल्याला माहिती आहे की खरोखर हा देश मंदिरांचा देश आहे. हा मंदिर, या देशामध्ये सण साजरे होतात, या देशामध्ये गीता भागवत रामायण वाचली जातात, या देशामध्ये साधुसंतांचा आदर केला जातो, कारण याच्यामुळे आपल्यातला सत्वगुण वाढतो, विशुद्ध सत्वगुण वाढतो. आणि भक्ती या संप्रदायाचं वैशिष्ट्य जर काय असेल तर या जगामध्ये एकच गोष्ट एकात्मता साधू शकते, ते म्हणजे भक्ती संप्रदाय, भक्तिभाव. या भक्तिभावाच्या माध्यमातूनच आपण समजू शकतो की या जगातले सगळे जीव, सगळ्या धर्मातली माणसं आणि सगळे किडे मकोडे पक्षी प्राणी हे सगळेजण परमेश्वराच्या आत्मज्ञानातनं त्यांचे अंश आहेत आणि आपण सारे भगवंताची लेकरे आहोत, असा दिव्य वसुदेव कुटुंबकम असा एक दिव्य संदेश देणारं हे भक्ती संप्रदायाचं आंदोलन आहे. आणि म्हणून आपल्याला या मंदिरांची गरज आहे. आज सकाळी मी देहू संस्थानामध्ये होतो आणि मला त्यांनी असं सांगितलं की ब्रिटिशकालीन त्यांनी मला एक गॅझेट दाखवलं की संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी आपल्या हयातीमध्ये नामदेव ज्ञाने आळंदीमध्ये असलेल्या ज्ञानेश्वर माऊलींची समाधी उघडीच होती, त्याला छत नव्हतं. तुकोबांनी आपल्या हाताने ज्ञानेश्वर माऊलींची ते मंदिर तिथं बांधलेलं आहे. म्हणजे एवढे मोठे संत, एवढी मोठी वाताहात झाली होती पण तरी देखील त्यांनी मंदिर बांधायचं काम सोडलं नव्हतं. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रामदास स्वामींना चाफळ येथे मंदिर बांधून दिलं
सज्जनगडावरती त्यांनी त्यांची सगळी सोय करून दिली आणि पंढरपुरासाठी देखील त्यांनी काही जमीन त्यांनी दानमध्ये दिली होती असा बखरीमध्ये आपल्याला हे सापडतं. त्यामुळे भारतात जन्म मिळणाऱ्या माणसांनी जरी भारतात 6,88,000 गावं आणि 21,00,000 मंदिरं असली तरी मंदिरं वाढलीच पाहिजे कारण लोकसंख्या वाढत जाती आहे. इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद यांनी आपल्या केवळ 12-14 वर्षाच्या कालावधीमध्ये संपूर्ण जगाला 14 वेळा प्रदक्षिणा मारून 108 मंदिरं बांधली आहेत आणि त्यांच्यानंतर ते भगवतधामात गेल्यानंतर त्यांच्या सगळ्या शिष्यांनी मिळून परमपूज्य लोकनाथ महाराज, परमपूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज, परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आणि असे असंख्य त्यांचे संन्यासी शिष्य यांनी मिळून ही संख्या आता 165 देशामध्ये 850 मंदिरांपर्यंत ते घेऊन गेलेले आहेत. आता तिसऱ्या जनरेशनचं जबाबदारी आहे, आता आपल्या तिसऱ्या पिढीचं काहीतरी करून दाखवायची आता आपल्यावरती जबाबदारी आहे आणि ही काहीतरी करून दाखवण्यासाठी मला वाटतं की हा पंढरपूरचा प्रोजेक्ट आपल्यासाठी एक आदर्श आहे. आज आपल्यासमोर माझ्यासमोर कमीत कमी 2 ते 3 ते 4 हजार भक्त दिसत आहेत. या प्रत्येकाने संकल्प केला तर 100 करोड रुपये गोळा करणं हे बिलकुल अवघड नाही आहे आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपली सुरुवात फक्त इच्छाशक्तीने होते आणि गमतीची गोष्ट अशी की त्याला थोडा प्रयासाची जोड लागली की आपले गोल अचीव होतात. हे सूत्र यशाचं भक्तिभावामधलं की सुरुवात आपल्या मनामध्ये तीव्र इच्छा निर्माण झाली पाहिजे, त्याला आपल्या साधनेची झालर लागली पाहिजे, त्याला आपल्या प्रयासाची काठ लागली पाहिजे आणि मग आपल्याला समोर उभं राहील ते आपण केलेलं संकल्प तो परिपूर्ण संकल्प होतो. आणि म्हणून इथं बसलेल्या माणसांनी किंवा बसलेल्या भक्तांनी आपल्या मनात एक संकल्प करायचा आहे की मी काही ना काही करीन या मंदिरासाठी, मला संकल्प घ्यायचा आहे. आमचे भक्त कथा चालू असताना आपल्यामध्ये आज 1,000 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करणार आहेत. याच्यामध्ये 1 स्क्वेअर फूट साधारण 5,000 रुपये खर्च आहे. आपण 11 स्क्वेअर फूटपासून सुरू करतो आहे ते साधारण 11,00,000 खरं पाहता काही भक्तांनी 1 करोडचा संकल्प घेतला आहे. मी आणि माझे काही मित्र यांनी 5-5 कोटीचाही संकल्प घेतला आहे. तर आपण देखील, माझी नम्र विनंती आहे की असे 1,000 भक्त मला आज पाहिजेत आणि उद्या पण 1,000 भक्त पाहिजेत की जे कमीत कमी 10 स्क्वेअर फूट आणि जास्तीत जास्त 11,00,000, मी 1 कोटी 2 कोटी म्हणणार नाहीत पण ज्यांच्यात ताकद आहे त्यांनी जरूर करावं. कारण गंमत काय की कृष्णासाठी जेवढं करू, आपल्या लक्षात घ्या, जन्माला येताना आपल्याला 9 महिन्याची सूचना मिळते पण मृत्यूसाठी आपल्याला 9 सेकंदाची पण सूचना मिळत नाही. झटक्यात जावं लागतं आणि सगळं इथं राहील पण आपलं देवानी आपल्याला जे काही दिलं आहे ते देवाच्या चरणी आपण अर्पण करावं असे एक नम्र निवेदन मी आपल्यासमोर करतो. मी जास्त वेळ घेणार नाही कारण महाराजांच्या कथेचा फार महत्त्वाचा पार्ट अजून शिल्लक आहे. उद्या आपला शेवटचा दिवस आहे. आम्ही भक्तांनी मिळून संकल्प केला होता की 1 कोटी रुपयाची कॅश आपण एकत्र केली पाहिजे आणि देवाच्या म्हणजे विठ्ठलाच्या कृपेमुळे जवळजवळ 27 लाख रुपये जमा झालेत. अजून आपल्याला 73 लाख जमा करायचे आहेत उद्यापर्यंत आणि संकल्प आपल्याला 10-15-5-10 कोटीचा तरी घ्यायचा आहे. तर म्हणून मी निवेदन करीन, आमचे नवदीपचंद्र प्रभू आपल्याला फॉर्म वाटतील, आपण कृपया हा फॉर्म घरी घेऊन जा, त्याच्यावरती आपला संकल्प लिहा. उद्याही 1,000 फॉर्म वाटले जातील. उद्या आपल्या भागवतकथेच्या यज्ञाच्या आहुतीचा शेवटचा दिवस आहे आणि या यज्ञाच्या भागवतकथेच्या यज्ञाच्या आहुतीमध्ये आपल्याला समर्पण करायचं आहे आपला संकल्प. एवढं नम्र निवेदन मी करीन. माझ्यामध्ये माझे 2 मित्र इथं आलेले आहेत की ज्यांनी मला फार मोठी मदत या नवीन मंदिराच्या बांधकाम करताना केली होती. त्यातल्या त्यात माझे परमप्रिय मित्र श्री राजेश मामीद्वार इथं आलेले आहेत. मला आठवतं की आपल्या कात्रजचं मंदिर जवळजवळ 70-80 करोडचं मंदिर आहे. 2013 भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे. त्या बांधकामाच्या वेळी अशाच अडथळे येत होते. आम्ही राजेशजींना भेटलो आणि राजेशजींनी मला आठवतं की 70 लाख रुपयाची कॅश माझ्या आता 10 वर्षापूर्वी दिली होती. मी राजेशजींना विनंती करतो की या आणि महाराजांच्या हस्ते आपण आपले आशीर्वाद प्राप्त करा. राजेशजी आणि त्यांचा मुलगा इथं आला आहे. दोघांना निवेदन आहे की वरती यायचं आहे. परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज आपल्याला सप्रेम भेट आशीर्वाद देतील. दोघंही यायचं आहे. याचबरोबर इथे श्रीकांत भारतीय यांचं तर्पण फाउंडेशन आहे. या तर्पण फाउंडेशनमध्ये मी स्वतः डायरेक्टर आहे आणि माझ्याबरोबर इथले 4-5 माझे मित्र पण डायरेक्टर्स आहेत. त्यातल्या त्यात राजेश मेहता, त्यानंतर किशोर तलवडे, अनुप शहा जे आत्ता वर्षा शर्मांनी आत्ता जे काही आपल्यापुढे प्रेझेंटेशन केलं त्यांचे पती अनुप शहा, त्यानंतर माझी मुलगी भक्ती पण त्याच्यामध्ये डायरेक्टर आहे, भक्तीला पण मी इन्व्हाइट करीन. असे 5-6 डायरेक्टर्स इथं आलेले आहेत. यांना पण विनंती करीन की आपणही जरा महाराजांच्या हस्ते आशीर्वाद घ्यायला वरती यायचं आहे. राजेश मेहता, किशोर तलवडे, भक्ती, त्यानंतर
अनूप शाह यांनी पण वरती यायचं आहे, महाराजांचे आशीर्वाद घ्याला. तर आपण सगळेजण तीन वेळा महामंत्र म्हणूयात आणि राज्यजींना आशीर्वाद देऊयात. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राजेशजी फार फार धन्यवाद तुम्ही केलेल्या इस्कॉन पुण्याच्या मंदिराच्या मदतीसाठी, आणि आपलं असंच मार्गदर्शन मदत आपल्या पंढरपूरच्या मंदिरीला लाभेल अशी मला आशा आहे. त्यांचा मुलगाही तिथं आहे इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये, VIT मध्ये तो इंजिनिअरिंग त्याचं मला वाटतं झालेलं आहे, आणि तोही संपूर्ण परिवार इथे समोर अमेनोरा सोसायटीत राहतात आणि फार उत्साहामध्ये सेवेमध्ये तत्पर असतात. किशोर तलवडे व्यवसाय आणि बिल्डर आहेत, तर्पण फाउंडेशनमध्ये श्रीकांतजी भारतीयांच्या तर्पण फाउंडेशनमध्ये ते डायरेक्टर आहेत. राजेश मेहता इथं आलेले आहेत का? अनूप शाह आत्ता वर्षा माताजींनी जे प्रेझेंटेशन केलं त्यांचे हे मिस्टर आहेत, एका कंपनीमध्ये व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत आणि तेही तर्पणमध्ये डायरेक्टर आहेत. तर फार फार धन्यवाद, मी जास्त वेळ घेणार नाही आणि आपल्या सर्वांच्या चरणी माझं पुन्हा एकदा मी नम्र निवेदन करीन की खरंच अवघड नसतं. खरंच आपण फक्त बोललं की लोकं पैसे देतात, प्रश्न फक्त असतो की आपल्या मनात आपण तीव्र इच्छा आणि निश्चय फक्त करा आणि बिनधास्त मागा. लक्षात घ्या की मला माहिती आहे इथं बसलेल्यांपैकी बहुतेक लोकांनी संकल्प केले असतील, पण याचं एक छोटंसं प्रशिक्षण लागतं. आपल्या ओळखीच्या 10 नातलगांची नावं काढा, आपल्या मित्रमंडळींची 10 नावं काढा, आपल्या शेजाऱ्यापर्यंतची नावं काढा आणि विठ्ठलाविषयी सांगा की आपण पंढरपुरात मोठं मंदिर बांधतोय. मला खात्री आहे की ते तुम्हाला कमीत कमी 1 स्क्वेअर फूट देतील आणि मोठ्या मनाची राजेशजींसारखी माणसं तर दान द्यायला समाजामध्ये उभीच आहेत. तर आपण सर्वांनी हा संकल्प घ्या, पुढच्या 3 वर्षामध्ये आपण परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराजांना आपण सर्व मिळून हे मंदिर बनवून त्यांना भेट द्यायची आहे. हरे कृष्णा. फार फार धन्यवाद. हरे कृष्णा. इस कथा का कल अंतिम दिवस है और हम लोग शाम 4 बजे से रात को 12:30 बजे तक यहाँ पर प्रोग्राम करने वाले हैं. हरी बोल. तो आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाविक भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए अनाउंसमेंट जरूरी है, मैं बता रहा हूँ. कल शाम 4 बजे से 6 बजे तक बालाजी महालक्ष्मी बालाजी यज्ञ होगा, आप उसमें सहभाग ले सकते हैं. बार स्टॉल लगा हुआ है, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं. उसके पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ यह अंतिम सत्र 7वां सत्र आरंभ होगा 6 बजे से 9 बजे तक. उसके बाद में महाराज जी के सानिध्य में ही कीर्तन मेला का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है. हरि बोल. और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नाट्य इत्यादि होंगे, भजन कीर्तन होगा और जल्लोष के साथ, दिव्य उत्साह के साथ, हरि नाम के उद्घोष के साथ हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं. तो कल आप इस तैयारी से आइए. शाम दोपहर 4 बजे से रात को 12:30 बजे तक हमको यहाँ पर रहना है. तो हरे कृष्णा. धन्यवाद. मैं महाराज से निवेदन करता हूँ कि ये उर्वरित भाग महाराज जी यहाँ पर आरंभ करें और उसके पश्चात एक विशेष नाट्य, महानाट्य चैतन्य महाप्रभु के ऊपर. आज वैसे भी हम लोग रुक्मिणी द्वारकाधीश का विवाह महोत्सव भी देखने वाले हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित एक विशेष नाट्य देखने वाले हैं. जय गौर से ही कृष्ण से ही पंडरीनाथ. नहीं यार, जो चैतन्य महाप्रभु है वही कृष्ण है और वही विट्ठल है, जो महाराज जी हमको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं. कलयुग के विशेष अवतार, युग अवतार, चैतन्य महाप्रभु की जय. हरे कृष्णा. महाराज से निवेदन करता हूँ कथा यहाँ पुनः आरंभ करें. हरि बोल. आंडुरंग जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय रखुमाई. सभी बोलेंगे प्रेम से, जोर से. जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई. दिंडी दिखाओ,
आप देख रहे हो ना, इज ऑन द स्क्रीन, कुछ दिख रहा है, आएगा क्या दिंडी है, कोई दिख रहा है? यस नो ओके ऑलराइट. अरे सॉरी. ये भगवान का नाम लिए बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते. जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम. और तुकाराम महाराज के अभंग गाते हैं और कई सारे अभंग गाते हैं, भगवान का गुण गाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं. भगवान के चरणों की ओर ऐसा सोहळा स्वर्गी सुद्धा नहीं, ऐसा इसी शोभा यात्रा दिंडी और कहीं पर नहीं है, ब्रह्मांड में या स्वर्ग में भी नहीं, ये केवल महाराष्ट्र में और वो भी आलंदी और पंढरपुर से देहू से. वैसे और भी दिंडी है, छोटी मोटी कई सैकड़ों अभी थाउजेंड्स ऑफ दिंडी और भी नगरों से ग्रामों से, लेकिन ये सबसे बड़ी दिंडी. हरी हरी. तो वह ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वैसे इतने लोग एक साथ 18 दिन चलते हैं, साथ में रहते हैं और केवल प्रभु के नामों का कीर्तन ही करते रहते हैं. हरी हरी. और फिर पंड वे पहुंच जाते हैं धाम. तो एक समय चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये होणारा नामाचा गजर, आजकल संसार भर में, न्यूयॉर्क में, लंडन में, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, यस डर्बन साउथ अफ्रीका, मॉस्को रशिया, पृथ्वी के 100 से अधिक देशों के हजारों और लाखों नगरों में और ग्रामों में कीर्तन हो रहा है. और श्रील प्रभुपाद इस बात को भी जानकर कि मैं भी ऐसी दिंडी की परंपरा के साथ मेरा भी मैं भी बड़ा हुआ ऐसे संस्कृति में, मेरे पिताश्री भी वारकरी थे और लगता. तो श्रील प्रभुपाद ने मुझे दिंडी करने का आदेश दिया. और इस प्रकार ये दिंडी, इस्कान में दिंडी ने प्रवेश किया कहो, इस्कान में दिंडिया प्रारंभ हुई. प्रभुपाद मुझे कहे, तुम हम वृंदावन में थे, अब मायापुर जाओ दिंडी के साथ, पदयात्रा के साथ, बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी के साथ. तो हम गए वहाँ मायापुर, तो प्रभुपाद कहे जगन्नाथपुरी जाओ. हम वहाँ गए और भविष्य में हमने एक पद यात्रा द्वारका, जानते कहाँ दार, द्वारका से पंढरपुर से कन्याकुमारी से जगन्नाथपुरी से मायापुर
8000 किलोमीटर पदयात्रा, 18 महीने, लगभग 20 देशों के 100-250 भक्त हम साथ में दिंडी या परिक्रमा किए। मी इंक्लूडेड। और फिर प्रभुपाद मुझे लिखे एक पत्र, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पदयात्रा दिंडी तो वी कुड हैव मिलियंस ऑफ कार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लाखों यात्राएं पृथ्वी पर मना सकते हैं। तो क्या हुआ, हम इस्कॉन के भक्तों को, लीडर्स को, श्रील प्रभुपाद की जन्म शताब्दी मनानी थी 1996। यू हैव सम अदर फोटोग्राफ्स और पदयात्रा दिंडी दिस दैट। तो मैं पदयात्री या दिंडी वाला इस्कॉन का पदयात्री था। तो हमने 100 देशों में दिंडी या पदयात्रा का आयोजन किया। और वो दिंडी जो पदयात्रा प्रभुपाद के समय शुरू हुई थी, वो दिंडी, वो पदयात्रा आज तक हो रही है। और अब तक हम लोग इस्कॉन के डिवोटीज, भक्त, पदयात्री, वारकरी मना 3,00,000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं। आपको अच्छा नहीं लगा या प्रभावित नहीं हुए आप? बस 3,00,000 जास्त नहीं, 3,00,000 जास्त करून दाखवा की मग टाळी वाजवतो। और इसी के साथ ये दिंडी, ये पदयात्रा, ये बुलक्कड़ संकीर्तन दल टीम्स संसार भर में, चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते अशोजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार केवल महाराष्ट्र में या भारत में नहीं, पृथ्वी ते अच्छो जतो नगर, पृथ्वी पर जितने नगर जितने ग्राम है उन सारे नगरों में सारे ग्रामों में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये जो भविष्यवाणी है इसको सच करके दिखा रहा है ये हरे कृष्ण आंदोलन, या दिखा रही है ये इस्कॉन की दिंडी या पदयात्रा। और जो कीर्तन चंद्रभागेच्या वाळवंटामध्ये होणार कीर्तन आता सर्व जगभर होत आहे। आई लाइक दैट। किंवा जी जो रथयात्रा जगन्नाथपुरी में ही हुआ करती थी, ऐसी जगन्नाथ रथयात्रा इस पृथ्वी पर, पृथ्वीच्या पाठीवरती 700 शहरामध्ये होत आहे। एक पदयात्रा, दुसरी रथयात्रा, आणि आताच नाही, अभी 4-6 महिने पहिले जो जन्माष्टमी, 5-1 महिने पहिले जन्माष्टमी संपन्न हुई, 150 देशों में हरे कृष्ण भक्तों ने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। और संसार के जो गोभक्षक थे, गोभक्षक वे गोरक्षक बन रहे हैं। हरी हरी। तो आपके जानकारी के लिए, दिस इज ऑल फॉर योर इंफॉर्मेशन।
हरी हरी। तो तुकार महाराज वे भी जरूर दिंडी में जाया करते थे। हरी हरी। किंतु एक समय उनको दिंडी में जाना संभव नहीं हुआ क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो तुकाराम महाराज एक पत्र लिखे, एड्रेस टू द लॉर्ड, विट्ठल भगवान को संबोधित करते हुए, और उन्होंने अपने पड़ोसी के पास वो पत्र दिया और कहा कि तुम्हारी बारी जब आएगी दर्शन की तो भगवान को पढ़ के सुना सकते हो। तो उस मित्र ने वैसे ही किया। तो भगवान को जब पता चला, विट्ठल भगवान को जब पता चला कि इस वर्ष मेरा तुका तुकाराम नहीं आ सकता, तो उस पत्र में लिखे थे तुकाराम महाराज, हे प्रभु पांडुरंगा, हे विठोबा, हे विठू आई, हे विठू माउली, मैं नहीं आ सकता, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या आप आ सकते हो मुझे मिलने के लिए या दर्शन देने के लिए? ऐसा पत्र में समाचार था या लिखा था। तो पत्र जब पढ़े सुने विठल भगवान, भगवान में से जाने की तैयारी में थे, यस यस आई वांट टू गो। और इस बात का पता जब रुक्मिणी को लगा कि, और ये आषाढ़ी एकादशी का समय था, तो रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये 10-20 लाख लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं और आप यहां से जाओगे तो कैसे संभव होगा उनका दर्शन? इन्होंने मुझे जाना तो होगा ना। तो तुकाराम नहीं आ सकता, बीमार है। तो देखिए ये है, विठोबा विठू आई माउली का वात्सल्य, वात्सलता, स्नेह अपने भक्त के लिए। तो क्या किया जाए, जात इतने लोग दर्शन के लिए आए तो हुआ। तो रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि आप गरुड़ को भेजिए ना, गरुड़ जाके तुकाराम महाराज को अपने पीठ पर बिठा के ला सकते हैं पंडरपुर। गुड आइडिया बाय को असावित्रासी, गुड आइडिया, आइडिया बाज, आइडिया बाज। तो गरुड़ को भेजे, गरुड़ वेज, वैसे इंडोनेशिया में जो एयरलाइन है उसका नाम है गरुड़ एयरलाइन। अच्छा होता भारत, भारत ने नाम दिया इंडिया एयर इंडिया, दिस इज नॉनसेंस, अमेरिकन लाइंस एंड ऑस्ट्रेलियन एयरवेज एंड चाइनीज, इस प्रकार भारत ने भी इंडिया ने भी नाम दिया एयर इंडिया, व्हाट इज नॉनसेंस। ये नका अच्छा होता कि भारतवर्ष में कि जो एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइन होता या ऐसा ही कुछ नाम होता। एनीवे तो गरुड़ जी गए तो सही, और तुकाराम के लिए कहे आप, मैं आपको ले जाने आया हूँ। तुकाराम महाराज, नहीं नहीं ये गरुड़ वाहन तो हुआ मेरे स्वामी के लिए है, भगवान के लिए है, उसी वाहन का मैं उपयोग करूं? नो नो नो, नहीं,
तुम जाओ, भगवान को भेजो, भगवान को ले आओ, विठल भगवान को ले गया। तो बेचारा गरुड़ बैक टू पंडरपुर वापस जाता है। और तो तब तक वैसे अधिकतर वारकरियों ने, दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हुए थे। तो रुक्मिणी कहा अब हम जा सकते हैं, अब तो दर्शन अधिकतर लोगों को हुआ। तो विठ्ठल और रुक्मिणी गरुड़ पर आरूढ़ होके देहू आते हैं। और तुकाराम महाराज वैसे अस्वस्थ होते हुए भी घर के बाहर आकर पुनः पुनः देख रहे थे, कब आते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे। जैसे वो रुक्मिणी भी प्रतीक्षा कर रही थी उस ब्राह्मण की, जो ब्राह्मण भगवान को ले आने वाले थे, वैसे ही तुकाराम महाराज प्रतीक्षा में थे, बड़े उत्कंठित थे। तो यहां देहू में तो कमहने आड़ी न उरे ची बेगड़ी। तो भगवान उतरते हैं आगे बढ़कर, तुकाराम महाराज के गले लगाते आलिंगन देते हैं। जय पांडुरंग 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 पांडुरंग। ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम, भगवान का भक्त से प्रेम, भक्त का भगवान से प्रेम का ये एक ज्वलंत उदाहरण है। हरि और यही तुकाराम महाराज जीवन भर कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का कीर्तन गान नहीं, उनका जीवन अहर्निश 24 आवर्स अ डे एंड नाइट कहो, यही है जी का नाम है भक्ति, यही है भक्ति योग। तो भगवान अपने ऐसे संतों के भक्तों के माध्यम से हम सभी के समक्ष आदर्श रखते हैं। अब वे गृहस्थ थे, सन्यासी या ब्रह्मचारी, गृहे था को वन्ने था को सदा हरि बोले ढाको। आप घर के गृहस्थ हो, वन के ब्रह्मचारी हो, क्या करो इस कलयुग में, हरि नाम करो। सुखे दुखे भूले न को वदने हरि नाम करो रे। हैड टू स्टॉप, इट्स गेटिंग लेट। तो सुख में दुख में हरि का नाम लो, ऐसे हमारे आचार्यों ने सिखाया है। तो ये दिंडी जब पहुंचती है पंडरपुर, तो सभी यात्री पहुंच जाते हैं चंद्रभागा मैया की, और वहाँ स्नान करते हैं। पंडरपुर में वैसे हर एकादशी का उत्सव होता है, उसमें से भी आषाढ़ी, कार्तिक, माघ और चैत्र, इन महीनों में विशेष उत्सव आषाढ़ी एकादशी का, और भी उन सभी
एकादशी महोत्सव में महान उत्सव आषाढ़ एकादशी के दिन होता है। हरिहरि भीमानी चंद्र भगा तुझा चरणी चा गंगा, तो ये गंगा भी भगवान के चरणों से कहो, चरणों से या हम सभी बद्ध जीवों की हालत देह के भगवान को आती है दया, और भगवान का हृदय पिघल जाता है। और भगवान का हृदय द्रवीभूत होता है, बहने लगता है, और पवित्र नदियों का जो जल है ये भगवान के दयार्द्र दयार्द्र दया से आर्द्र द्रवीभूत हुआ जो हृदय है या उनके चरणों की से बहने वाली ये गंगा है, इसको उपलब्ध कराते हैं भगवान, जिसमें हम स्नान करके पवित्र हो सकते हैं। गंगा मैया के तो चंद्रभागा पंडरपुर की गंगा ही है, इस पर कई सारे घाट कुछ 250-300 वर्ष पूर्व बनाए हैं। उद्धव घाट 1760 में बनाया, दत्त घाट 1775 में बनाया, महाद्वार घाट और 10 वर्षों के उपरांत बनाया, चंद्रभागा घाट 1820 में बनाया, विप्रदत्त घाट 1820 में बनाया। तो मतलब पिछले 250 वर्षों में और कोई घाट नहीं बना था, तो 250-300 वर्षों के उपरांत प्रभुपाद घाट के इस्कॉन ने ये घाट बनाया है। हरी हरी और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु विश्वरूप की पादुकाएं भी स्थापित हुई है, और उसी स्थान पर राधा पंडितनाथ के राधा पंडितनाथ भी दर्शन दे रहे हैं। कई वर्षों से उनकी आराधना अर्चना श्रवण कीर्तन इत्यादि संपन्न हो रहे हैं, और वहीं पर भू वैकुंठ प्रकल्प की भी स्थापना हो रही है। और ये सब हम कथा कह रहे थे, ये भू वैकुंठ नामक ग्रंथ पर ही आधारित है, जिसका इसकी रचना करने का अवसर या भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और बहुत सारे संशोधन रिसर्च के उपरांत इसकी रचना हुई है। और इसके भाषांतर भी हो रहे हैं आजकल, इन इंग्लिश, इन हिंदी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल इत्यादि भाषाओं में इसका भाषांतर और वितरण, और 50,000 से अधिक प्रतियों का वितरण भी हो चुका है। यस, सो यू आर वेलकम। तो भू वैकुंठ प्रकल्प का नाम भी भू वैकुंठ, और वैसे पंढरपुर को भी भू वैकुंठ ही कहते हैं, और ये ग्रंथ भी भू वैकुंठ ही कहलाता है। तो आप सादर आमंत्रित हो।
ये उपलब्ध है, इसकी प्रतियां ऑन द बुक स्टॉल, इसे आप जरूर या पद यात्रा प्रेस द्वारा चलाए जाने वाले बुक स्टॉल या बूथ पर। भूवैकुंठ की, पंडरपुर धाम की, श्री श्री विठल रुक्मिणी की, क्या हुआ जय चिरभवबाद की, निथाय गौर प्रेमानंदे। ओके, और अब धीरज धरिए और वेरी एक्साइटिंग।